गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शिल को। तो अभी जो आप पेज देख रहे हो, इस पेज को लेके आज मैं आप लोगों को ब्रांड कोलाब मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज होने के बाद कैसे प्रोजेक्ट मिलता है, मतलब कि कैसे ब्रांड कोलाब मिलता है, ये प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे अभी नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले चला जाता हूँ इस पेज के क्रिएटर स्टूडियो पे। तो मैं चला आया क्रिएटर स्टूडियो पे और मोनेटाइजेशन पे मैंने क्लिक करके रखा है। तो जैसे ही मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर किया है तो आप देख सकते हो ये जो पेज है, ये पेज 100% ब्रांड कोलाब मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज है, जिसके वजह से नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैट्रिक्स लिखा हुआ आ रहा है। उसी के साथ मैट्रिक्स सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट ब्रीफ अवेलेबल लिख के आ रहा है। इसका मतलब कि इस पेज से मिलता जुलता, इस पेज के इंटरेस्ट से मिलता जुलता कोई ना कोई ब्रांड है जो इस पेज के जैसा जितने भी पेज है उस पे एक इंटरेस्ट दिखाता है। किस लिए? ब्रांड कोलाबोरेशन के लिए, ब्रांड स्पॉन्सरशिप के लिए। तो अब जो हमको करना है, ऐसा अगर आपको भी देखने के लिए मिले कि ऐसे फिगर होके आ रहा है 1, 2, 3, 4, तो आपको सिंपली से क्लिक करना है व्यू योर प्रोफाइल इन ब्रांड कोलाब मैनेजर। तो इस पे मैंने क्लिक करके ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि मैंने पहले ही दिखाया था, ब्रांड पोर्टफोलियो को कैसे बनाया जाता है, कैसे अपलोड करना होता है, PDF कैसे डाल के रखना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज के ऑनर ने ऑलरेडी PDF जो है अपलोड करके रखा है। उसी के साथ बहुत सारे जनों का क्वेश्चन आता है, जो मैंने सेटअप दिखाया था उस पे मैंने एक PDF का जिक्र किया था, जो मैं ऑलरेडी अवेलेबल करवाता हूँ हर एक क्रिएटर्स को जो भी मुझे Instagram पे पर्सनली मैसेज करता है। मगर वहाँ पे आप लोगों का बहुत क्वेश्चन आया है कि सर, जो नीचे का हिस्सा है, जो ग्राफिक में आपने एज, जेंडर और लोकेशन, ये सब ऑडियंस ऑन फेसबुक को दिखा के रखे हो, वो क्या सेम टू सेम जो जैसा है वैसा ही रख दो? वैसा नहीं होता है भाई, वो तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को। ऐसे जब आप पोर्टफोलियो पे आओगे तो इस तरह आपको देखने के लिए मिलेगा आपके पेज का क्या कुछ है। तो यहाँ से आपको उठाना है और उस ग्राफ को फिर से बना के फिर अपलोड करना है PDF के जैसा। तो अब जो मैं इस वीडियो पे बात करूंगा, जो मुद्दा है वो है, हमको ब्रांड कोलाब मोनेटाइजेशन टूल से फायदा कैसे मिलेगा, कैसे प्रोजेक्ट मिलेगा, या फिर हमको ब्रांड मोनेटाइजेशन को यूज करने का ऑप्शन मिलेगा ताकि हम ब्रांड कोलाब से मोनेटाइज कर पाए। तो इसके लिए आपको जाना है प्रोजेक्ट ब्रीफ। तो प्रोजेक्ट ब्रीफ पे मैंने क्लिक किया तो जैसे आप लोग देख रहे थे कि 1 digit लिख के आ रहा था, मतलब एक ब्रांड जो कि हमारे पेज से मिलता जुलता पेज पे इंटरेस्ट रखता है, किस लिए? कोलाबोरेशन के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए। तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोजेक्ट ब्रीफ पे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्रांड है जो ये जो पेज है इससे इंटरेस्ट रखता है, ऐसे पेज पे इंटरेस्ट रखता है, इसीलिए यहाँ पे ओपन के अंदर ये आ रहा है, मतलब ये प्रोजेक्ट अभी ओपन है। आप चाहो एज ए क्रिएटर तो आपका इंटरेस्ट भी दिखा सकते हो इस ब्रांड के ऊपर, ताकि ये ब्रांड और आपका एक कॉन्टैक्ट हो, और उसके बाद ये ब्रांड को अगर आपका पेज पसंद आ गया, आपका इंटरेस्ट से रिलेट करता है, आपके नीड से रिलेट करता है, तो शायद राजी भी हो जाए आपको प्रोजेक्ट देने के लिए, मतलब ब्रांड कोलाबोरेशन करने के लिए स्पॉन्सरशिप आपको दे भी सकता है। तो इसके लिए इस पेज के ऑनर ने जब भी ये देखा है तो इनके मन में डाउट हुआ है कि सर, ऐसा एक आया है ब्रांड कोलाब के लिए और मैंने इंटरेस्ट दिखा भी दिया है, मगर मुझे पता नहीं ये क्यों आया है, क्या है, आप थोड़ा बता दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्रांड है इसका एप्लीकेशन ओपन है, इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लिखा है अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट ब्रीफ, मतलब आप लोग भी इंटरेस्ट दिखा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि 100% ये ब्रांड आपसे कोलाबोरेशन कर लेगा, मगर यहाँ पर ही आएगा सारे ब्रांड जो भी आपके पेज से इंटरेस्ट रखता हो या फिर आपके पेज के जैसा सिमिलर पेज पे इंटरेस्ट रखते हैं ब्रांड मोनेटाइजेशन के लिए, ब्रांड स्पॉन्सरशिप के लिए, तो यहाँ पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट शो करना है, जो कि इस पेज के ऑनर ने ऑलरेडी कर दिया था। तो यहाँ पे इसलिए ये राइट ट्रिक आ रहा है, 16 फेब को इस पेज के ऑनर ने इस पेज पे इंटरेस्ट दिखाया है।
वो भी मेल, वो भी मैसेज मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी पता चले क्या कुछ रिप्लाई किया है। मगर इस ब्रांड के बारे में जैसे ही आपको आएगा तो डिटेल जानने के लिए आपको यहाँ पे आके एक क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस ब्रांड का पूरा डिटेलिंग आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ब्रांड का जो अभी ओपन है, मतलब कोलाबोरेशन के लिए ये अवेलेबल है, स्पॉन्सरशिप के लिए अवेलेबल है, वो कितना दिन तक, एप्लीकेशन डेडलाइन, डेडलाइन है मार्च 10 तक, मतलब अभी तक टाइम है। और उसी के साथ कैंपेन डेट है मार्च 10 से लेके अप्रैल 11 तक, मतलब एक महीने का, ऑलमोस्ट एक महीने एक दिन का ये कैंपेन चलेगा। और पोस्ट टाइप क्या है, अगर ये ब्रांड से आप कोलाबोरेशन करते हो तो इस ब्रांड का प्रमोशन आप कैसे करोगे आपके पेज पे, फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, स्टोरी हो सकता है। और उसी के साथ कंपेंसेशन रेंज, आपको पैसा किस रेंज में मिलेगा, $500 से $1000 तक मिल सकता है। तो इस रेंज में कुछ भी अमाउंट आपको ये ब्रांड दे सकता है अगर कोलाबोरेशन हो गया। और फिर इस ब्रांड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के रखा है, जो भी उन लोगों के बारे में यहाँ पे बोल के रखा है, ठीक है। तो इस पेज ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है इसलिए टिक मार्क आ रहा है, नहीं तो आप यहाँ पर ही आपका इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करके मैसेज सेंड कर सकते थे। तो इस पेज के ऑनर ने ऑलरेडी सेंड किया है, तो वो मैसेज कैसा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके लिए मैसेज सेक्शन पे आ गया, तो ये जो पेज था इसी पेज पे ये रिडायरेक्ट होके गया, जो इधर से इन्होंने इंटरेस्ट पे क्लिक करके सेंड किया। तो यहाँ पे देख सकते हो इस पेज के ऑनर ने क्या सेंड किया, आई एम इंटरेस्टेड विथ इट, प्लीज़ टेल मी मोर डिटेल अबाउट इट। मगर ये थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है, थोड़ा प्रोफेशनल होता तो बेहतर होता। मगर जो भी है, इन्होंने इनका इंटरेस्ट बोल दिया ब्रांड को। आप ब्रांड का अगर इंटरेस्ट रहेगा तो यहाँ पे इनबॉक्स पे सेंड कर सकता है, मगर मैक्सिमम टाइम पे ब्रांड अगर ओरिजिनल होगा, थोड़ा रेपुटेटेड होगा, तो आपने जब ये पोर्टफोलियो सेटअप किया था तब जो भी ईमेल एड्रेस दिया था उस ईमेल में आपको मेल आएगा कि हम भी इंटरेस्टेड है, हम आपसे कोलाब करना चाहते हैं। और उसके बाद ये ब्रांड को आपको अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा पैसे के लिए, वो कहाँ पे, मेल पे, यहाँ पे फेसबुक एनवायरनमेंट पे कहीं पे भी नहीं, मेल पे आपको देना पड़ेगा, वहाँ पे पैसा भेजेगा तो आप प्रमोशन करना। और ये जो ब्रांड है अभी प्रोजेक्ट ब्रीफ पे आया, इसका मतलब ये नहीं कि 100% आपको मिल गया प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा क्या है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोजेक्ट ब्रीफ बेस्ड ऑन ब्रांड कैंपेन क्राइटेरिया। ये बोल रहा है आप एलिजिबल हो इस ब्रांड के लिए अप्लाई करने के लिए, इस ब्रांड के प्रमोशन के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसके क्राइटेरिया आपके पेज से मैच हो रहा है। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, अप्लाइंग डज नॉट गारंटी यू विल बी सिलेक्टेड, इसका मतलब यही है कि अप्लाई तो हर कोई कर सकता है। जैसे ही ऐसे आपको आएगा प्रोजेक्ट ब्रीफ के अंदर, ओपन स्टेटस के अंदर, जो भी ब्रांड का आएगा आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मगर अप्लाई करने से ये मत समझ बैठना कि आपको 100% वो ब्रांड का स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। हाँ, ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि आपसे रिलेट करता है ब्रांड, इसीलिए प्रोजेक्ट ब्रीफ पे आपको यहाँ पे शो हुआ है। तो आप जैसे ही ऐसा आए तो आप अप्लाई ज़रूर करना, और अप्लाई थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में लिख के करना, ताकि ब्रांड को थोड़ा सा फील हो उस तरफ से, क्योंकि ब्रांड आपको पर्सनली जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, तो प्रोफेशनल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे इनबॉक्स पे ही रिप्लाई आएगा, ये गारंटी नहीं है। आपको ब्रांड आपने पोर्टफोलियो क्रिएट करते समय जो मेल आईडी दिया है उस पे भी रिप्लाई कर सकता है, और वहाँ से ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा। मगर यहाँ पे ब्रांड कोलाब मोनेटाइजेशन टूल को यूज़ करके मोनेटाइजेशन करने के चक्कर में बहुत सारे फेसबुक पेज जो है आए दिन हैक हो रहा है। इससे बच के रहना, कोई भी मेल आए तो तुरंत उस पर लिंक पे क्लिक करके ओपन मत कर लेना। कोई भी मेल भेजता है तो तुरंत उसको अप्रूव मत कर लेना, सोचना समझना तभी जाके अप्रूव करना, नहीं तो बहुत सारे पेज का ऑनरशिप जो है चेंज हो रहा है और ऑनर से एनालिस्ट बन जा रहा है। तो ब्रांड कोलाब मोनेटाइजेशन टूल के हवाला देके ही
वो हैकिंग भी हो रहा है, तो इससे बच के रहना। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और नॉलेजेबल रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पर इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।